सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम लोग हैं फाइनली CISF कैंप दुर्गापुर में। तो हम लोग वहां जाने वाले हैं क्योंकि कुछ दिन बाद मेरा वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो यार मैं थोड़ा उस जगह को इंस्पेक्ट करने आया हूं कि यार इस जगह मतलब आप लोग यहां कैसे आ सकते हैं। सो फाइनली हम लोग पिरिंगी मोड़ में उतरे हैं और यहाँ से हम लोग गेट नंबर 1 पर जाने वाले हैं और मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे इस जगह को आ सकते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस आप लोग वहाँ से उतर के इस रोड से सीधा आइएगा और वहाँ पर आप देख सकते कि वो जो ब्रिज के अंदर से अभी हम लोग वहाँ जाने वाले हैं और इसके बाद हम लोग का गेट नंबर 1 पे जाने वाले हैं क्योंकि वहीं जितना भी मेडिकल का मतलब हो रहा है सब वहीं हो रहा है। सो लेट्स गो। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रिज के अंदर से सीधा हम लोग राइट टर्न करेंगे और थोड़ा आगे जाने के बाद ही हम लोगों को गेट नंबर 1 मिल जाएगा जो कि है CISF कैंप। फाइनली अभी हम लोग सेंटर पे पहुंच चुके हैं और वहाँ पर सेंटर में हम लोगों ने बात किया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलाइट थे और वो लोग भी सही से बात भी कर रहे थे। और ये सेंटर बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप बिरिंगी मोड़ में उतरिए और वहाँ से आप देख सकते हैं जो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से यहाँ पर आपको 500 मीटर वैसा कुछ लगेगा। तो अगर आप बस से आ रहे हैं सबसे इजी है तो बस से आइए। ट्रेन से आने के बाद आपको टोटो पकड़ना पड़ेगा या फिर ऑटो कोई भी जो भी वगैरह ट्रांसपोर्टेशन है। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा अगर आप लोग आसानसोल से आ रहे हैं तो बस से पकड़िए, वहाँ थोड़ा पैदल आने के बाद आप यहाँ पर सेंटर पर आ जाएंगे। तो यार मेरा कुछ यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं उसको यहाँ पर सेटल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अंदर थोड़ा बहुत अगर हो सके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अंदर आप लोग क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। गाइस अगर आप लोगों को कुछ जेरोक्स कराना है तो आपको ब्रिज के दूसरे साइड जाना पड़ेगा क्योंकि ब्रिज के इस साइड कुछ है नहीं। तो ये रहा एक जेरोक्स शॉप। अगर आप लोगों को कुछ जेरोक्स रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जेरोक्स कराना तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। फाइनली मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी करना था वो अभी हो चुका है और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यार क्या डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम हुआ था। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताऊंगा यहाँ पर मतलब आप कैसे आ सकते अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट मिस हो गया या फिर कोई मिल नहीं रहा क्या क्या लाना पड़ेगा। तो यार वीडियो को एंड तक देखिए, मैं सब कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। सो गाइस बेसिकली मेरा जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो था 7 तारीख को, लेकिन यार 7 तारीख को मेरा जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आ गया। तो यार जिसके वजह से यार मुझे उसके पहले या फिर उसके बाद में एग्ज़ाम देना था। तो मैंने इसी चीज़ के रिगार्डिंग उनसे बात करना चाहा कि क्या आप लोग एग्ज़ाम को थोड़ा डिले या फिर पहले ले सकते हैं। तो हम लोग जाके वहाँ बात किए और उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए जहाँ पर आप अपना वैलिड रीज़न देंगे किसके वजह से आपका एग्ज़ाम जल्दी ले या फिर बाद में लिया जाए। सो मैंने वहाँ पर लेटर लिख दिया और अपना जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है कि मैंने क्यों मेरा जो एडमिट कार्ड है कॉलेज का वो भी सबमिट कर दिया, जिसके वजह से वहाँ पर बोल दिया कि आप बाद में आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने पहले लेने से इनकार कर दिया कि यार उनको भी बस वर्कलोड होगा पता नहीं यार इसी के रिगार्डिंग। और गाइस मैं आप लोग ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो जो जो डॉक्यूमेंट्स बोला गया वो सब लाइए और उसके साथ आप चाहे तो 2-3 A4 पेज भी ला सकते हैं, आपको काम आ सकता है। और बाकी उतना कुछ है नहीं जो मैंने वहाँ पर ऑब्जर्व किया, सारा प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा ईजी है और जो जो आप लोग देखते हैं 2-3 दोस्तों से पूछ के आते हैं वही सब हो रहा है और उसके बाकी कुछ नहीं। और बाकी आप लोग सेंटर पे जाओ एग्ज़ाम दो। सो गाइस जब मैंने डॉक्यूमेंट अंदर सबमिट कर दिया तब उन्होंने हम मुझे बाहर वेट करने के लिए बोला कि वो लोग जब बुलाएंगे कि मैं वहाँ पर आ सकूँ। तो ये रहा सेंटर, तो यहाँ पर जगह है, आप लोग यहाँ बैठ सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे साइड में जितना भी है सब गार्जियंस है, जो भी मेरा भाई मतलब दोस्त लोग है और भाई लोग है वो भी अंदर, उन लोगों का पेरेंट्स है यहाँ पर। फाइनली जो भी प्रॉब्लम था जितना भी प्रॉब्लम वगैरह था मेरा जो PhD के बारे में सो अभी सब कुछ क्लियर हो गया है। सो अभी हम लोग यहाँ बस पकड़ेंगे, मैं घर जाके आप लोगों को पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ कि यार मेरा क्या प्रॉब्लम हुआ था। और हाँ यार काफ़ी सही लग रहा है यार तो इतना दूर आने में, चलिए यार वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग सेंटर देख ले, ये सेंटर इसके पीछे बहुत जगह है। तो यहाँ पर सेंटर पर बोला गया है कि आपको 6:30 जो भी टाइम दिया है तो उसी पे आ जाना है। सर लेट करने पे यार थोड़ा बाद में प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि यार 6:30 एकदम पूरा आप यहाँ पहुँच जाओ। सो आप लोग ये जो सेंटर है सेंटर से सीधा आ जाइएगा
तो वहाँ पर बस स्टैंड है, चलो हम लोग वहीं जाने वाले हैं। वहाँ से आसनसोल का बस मिल जाएगा, तभी हम लोग सेंटर पे जाएंगे, बस पकड़ेंगे और मैं घर जाके आप लोगों को पूरा सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ, क्या हुआ क्या और क्या रिगार्डिंग प्रॉब्लम था मेरा। हम लोग आसनसोल पहुंच चुके हैं और बस से जितना भी ट्रैवल करने का जो प्रोसेस है मैंने आप लोगों को बता दिया। ट्रेन से जर्नी करने का अभी तक मतलब मैंने कभी किया नहीं है और शायद अगर मैं करने वाला हूं तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। शेयर बस वीडियो यहीं तक था, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो सबके साथ शेयर कर दो जो भी अभी जाने वाला है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।